देखो इस ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर वन कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर वन में डाउट है? हो गया ठीक। क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू में डाउट है। इसमें 5 kg का ब्लॉक है, 1 kg की रस्सी है और 2 kg का ब्लॉक है। पहले ये पूरी रस्सी टेबल के ऊपर है और 2 kg बिल्कुल ऊपर है, तो कौन सी फोर्स इस 2 kg को नीचे लेके आएगी? 2g, सिर्फ 2g फोर्स नीचे लेके आएगी। और टोटल मास कितना है इसका? 5 प्लस रस्सी का मास 1 प्लस ब्लॉक का मास 2, तो 5 प्लस 1 प्लस 2, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स कितनी है इनिशियली? 2g। और टोटल मास कितना है? ब्लॉक का मास 5 kg का मास, 1 kg का मास और 2 kg का मास, तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ गई। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि पूरी रस्सी नीचे आ गई। जब पूरी रस्सी नीचे आ गई 1 kg की, और 2 kg तो ऑलरेडी हवा में है, तो 2 kg और 1 kg टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितनी है? 2 + 1 = 3g, तो 3g अपॉन टोटल मास कितना है? 5 + 2 + 1, आंसर क्या आएगा? 3g/8। तो इनिशियल एक्सेलरेशन आ गई, फाइनल एक्सेलरेशन आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके 2 आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अभी 3 तो है ही नहीं आपके असाइनमेंट में, 4 ये इंपॉर्टेंट है। कितने को डाउट है? ओके, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। कैसे? इस क्वेश्चन में आपको 2 इंक्लाइंड प्लेन्स गिवन है। एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? 30 डिग्री, और एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और कौन सी वर्टिकल, रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड्स। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और ये एक ब्लॉक है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन जी है, इसकी भी जी है, जी में से जी गया 0। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ब्लॉक जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है? mg sin θ, तो m हट जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? g sin θ। तो ये ब्लॉक g sin θ से नीचे आ रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये कितना है? 90 - θ। तो अगर ये g sin θ से नीचे आ रहा है, तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा? g sin θ cos of 90 - θ। तो g sin θ का कॉम्पोनेंट कॉस का क्या होगा? cos of 90 - θ। और cos of 90 - θ क्या होता है? sin θ। sin into sin क्या होता है? sin²। तो आपके पास क्या आ गया कि g sin θ का वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या आ गया? g sin²θ। अब फर्स्ट केस में एंगल 60 है, दूसरे केस में एंगल 30 है, और आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है, तो दोनों एक्सेलरेशन को आपने क्या कर देना है? माइनस रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी वर्टिकल में। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि पहले आपने g sin θ लेना है, और g sin θ इंक्लाइन प्लेन की तरफ है, फिर आपने इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट ले लेना है cos of 90 - θ के साथ। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। 5 क्लियर है सबको? डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 6 में डाउट है। देखो 6 की स्टेटमेंट थोड़ी अजीब भी है, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। कैसे? एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट है, 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है। फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन प्लेन इज 3 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन। तो ये आपके पास एक ब्लॉक है, और फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, तो एक फोर्स लगाना चाहता हूं ताकि ये क्या हो जाए? जस्ट पुश इट अप। ये जस्ट पुश इट अप क्या होता है? जस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन 0। ये वर्ड जस्ट कमाल का है ना। अब वैसे आपने नोट नहीं किया होगा, लेकिन 3-4 बार से आप नोट करना शुरू कर दिया, जस्ट एबल, जस्ट पुश इट अप, एक्सेलरेशन 0। तो आप क्या चाहते हो? आप इसको पुश करना चाहते हो ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लगाओगे? ऊपर की नीचे? अगर आप ऊपर पुश करना चाहते हो तो फोर्स कहां लगेगी? ऊपर, ऊपर लगेगी ना भाई, ऊपर पुश कर रहे हो तो ऊपर ही लगेगी। तो आप फोर्स ऊपर लगाना चाहते हो ताकि ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन 0 से ऊपर मूव करे। अब वो कह रहे हैं वो जो फोर्स है वो 3 times है, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है ताकि ये ब्लॉक क्या ना हो जाए? स्लाइड ना हो जाए। अब स्लाइड होने का मतलब कहां पर ना चला जाए?
नीचे ना चला जाए। तो मैंने कोई फोर्स लगा के इसको खींचना नहीं है, बस मैंने पकड़ के रखना है कहीं ये नीचे ना चला जाए। तो मेरी फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। भाई नीचे जाने को तैयार है ब्लॉक, नीचे स्लाइड करने को तैयार है, तो मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा, फिर से ऊपर की तरफ। तो दोनों केस में फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। तो पहले केस में मैं फोर्स लगाऊंगा ताकि ये ऊपर मूव करे विद एक्सेलेरेशन जीरो, और दूसरे केस में फोर्स लगाऊंगा ताकि ये मूव ना करे, रेस्ट पे रहे, लेकिन वह नीचे ना जाए। ठीक है यहाँ तक? दोनों में कहाँ डिफरेंस है? दोनों तो सेम केस है, क्योंकि दोनों में एक्सेलेरेशन जीरो है। फर्क कहाँ होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। कैसे? जब आप एक ब्लॉक को फर्स्ट केस में ऊपर खींच रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऊपर जाए, रिलैक्सेशन जीरो, जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी? नीचे। पहला केस क्लियर है, एम जी साइन 45 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरे केस में जब आप सिर्फ उसे पकड़ के रख रहे हैं ताकि वो कहाँ ना चला जाए, नीचे, तो दूसरे केस में बॉडी की टेंडेंसी कहाँ खिसकने की है? नीचे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर। तो पहले केस में ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे। दूसरे केस में ब्लॉक कहाँ पर है? नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास एम जी साइन 45 एफ टू और म्यू इन टू आर। तो दोनों केस में एक्सेलेरेशन जीरो है, तो एफ वन की वैल्यू क्या होगी? एम जी साइन 45 प्लस म्यू टाइम्स आर, आर का मतलब एम जी कॉस 45, और दूसरे केस में एफ टू प्लस म्यू इन टू आर इज इक्वल टू एम जी साइन 45, तो यहाँ से एफ टू क्या आएगा? एम जी साइन 45 माइनस म्यू आर। तो आपके पास F1 आ गया, F2 आ गया। क्वेश्चन में गिवन है पहली फोर्स 3 टाइम्स सेकंड फोर्स है, तो पहली फोर्स की जगह F1 की जगह वैल्यू पुट कर दें, F2 की जगह वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व करके म्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे सोच रहे हैं कि फ्रिक्शन कभी नीचे का फ्रिक्शन कभी ऊपर होगी। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7 में डाउट। देखो सेवंथ क्वेश्चन के अंदर एक टॉपिक यूज हो रहा है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का टॉपिक हमने अभी किया नहीं है, स्प्रिंग का टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, पर कोई बात नहीं। आप एक काम करें, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बड़ा मास है, एक छोटा मास है, और एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। आपने बड़े मास पे फोर्स लगाई F ताकि इधर को मूव करे, आपको बताना है कि छोटे मास पे स्प्रिंग ने कितनी फोर्स लगाई। आप स्प्रिंग को छोड़ो यार, स्प्रिंग भी खींचेगा और रस्सी भी खींचेगी, तो आप स्प्रिंग को छोड़ो, आप ये सोचो दोनों में क्या प्रेजेंट, स्प्रिंग में क्या जाएगी? टेंशन, टेंशन टी एन टी। क्लियर है? तो ये पूरा सिस्टम मूव करेगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या होगी? एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, ये एक्सेलेरेशन है। आपको ये टेंशन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है जो एम को खींच रही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनेगा तो टी इज इक्वल टू एम इन टू ए, ए की वैल्यू ऊपर से कहाँ पुट की? नीचे, टेंशन आ गई, और टेंशन आपको निकालनी है क्योंकि टेंशन ही वो फोर्स है जो छोटे मास को खींच रही है। पॉइंट समझ में आया? यहाँ तो स्प्रिंग का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, स्ट्रिंग का ही रोल है, धागा, रस्सी, स्प्रिंग, स्ट्रिंग एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, सारे होशियार हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9 में एक बॉल है जिसका मास 0.2 केजी है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। तो ये मेरा हाथ है और मैंने हाथ में बॉल को पकड़ा और ऊपर फेंका, तो इफ द हैंड मूव 0.2 मीटर वाइल अप्लाइंग द फोर्स, तो हाथ में बॉल है, 0.2 मीटर तक बॉल मेरे हाथ में रही, फिर मेरा हाथ छोड़ के चली गई। तो 0.2 मीटर तक मेरा हैंड यहां से यहां आया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी। 0.2 मीटर तक आया, उसके बाद बॉल कितने मीटर ऊपर गई? 2 मीटर ऊपर गई। तो बॉल जब मेरे हाथ को छोड़ती है तो कोई वेलोसिटी से छोड़ती है, और हवा में फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है? जीरो। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपने कितनी फोर्स लगाई। अब फोर्स कहाँ लगाई? जब तक बॉल हैंड में है। तो जब तक बॉल हैंड में है आप क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए काम करते हैं, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी वी, वी निकाल लेते हैं। तो इस जर्नी के लिए अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2g एस, जी की जगह -10, सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास? वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी हैंड की पहले जीरो थी, फिर से अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर 2as, तो सॉल्व करके क्या आ गई? एक्सेलेरेशन आ गई। तो एक्सेलेरेशन आ गई, मास से मल्टीप्लाई करो उसे, फोर्स आ गई। देखो इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर ये गिवन है कि जैसे सपोज करो
आपके पास ये हैंड है और बॉल है, तो सपोज ये आपके पास हैंड है और ये आपकी बॉल है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। मेरा हाथ यहाँ तक, बॉल मेरे हाथ में थी, तो मेरे हाथ की वेलोसिटी क्या हो गई, वी, तो बॉल की वेलोसिटी भी निकलती क्या हो गई, वी, फिर बॉल ऊपर चले गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। इस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया 0.2 मीटर और इस दौरान डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर। अब ये फ्री एक्सेलेरेशन ड्यू टू ये ग्रेविटी के अफेक्ट में है, तो यहाँ पर अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू इंटू ए इंटू एस, एस आपको गिवन है, वी यू पता है यहाँ से क्या जाए और ए भी पता है, तो यहाँ से क्या जाएगा, वी आ जाएगा, यहाँ से वी निकाल लिया। फिर इस जर्नी में फिर अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, तो सॉल्व करके क्या आ गया, ए आ गया, और फोर्स क्या होती है, मास इंटू ए, आंसर आ गया, ऐसे करना है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा वो चेक कर लेता हूँ, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आंसर 20 न्यूटन है, 22 आ रहा है और नहीं एक्सेलरेशन 20 न्यूटन आंसर कर लो, ठीक है यहाँ तक। तो